नमस्कार दोस्तों, एग्रीटेक गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं गेहूं काटने का रिपर बाइंडर, जो कि BCS कंपनी का है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक चीज़ और भी बता दूं कि राजस्थान में इस मशीन पर 2 लाख से लगा के 2.5 लाख तक की सब्सिडी भी मिल रही है। अब वो सब्सिडी कैसे मिलेगी और ये कैसी मशीन है, इस बारे में वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह आपसे गुजारिश है कि इस चैनल पे पहली बार आए, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए घंटे के निशान को दबा लें, ताकि जब भी कोई हम एक वीडियो डालें इसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो की शुरुआत करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये BCS का रिपर बाइंडर है, यानी कि गेहूँ काटने के साथ ये गेहूँ की पुली को बांधने का काम भी करेगा। तो बिल्कुल आसान, इजी टू यूज़ मशीन है। इसको चलाने के लिए विशेष किसी प्रकार की ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ ये PTO का लीवर दिया गया है। दोस्तों, ये है PTO, जिसकी अगर इस PTO को ऑन करेंगे तो आगे से रिपर स्टार्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों गियर का लीवर दिया गया है, 4 फॉरवर्ड गियर है और एक रिवर्स गियर के साथ आता है। अगर इसके ऊपर बैठते हैं तो सारा बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह ही आपको क्लच और ब्रेक दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पे एक्सीलेटर दिया गया है सामने की तरह। ये दोनों हेडलाइट दी गई है, ताकि आप रात में भी अगर खेत में इस मशीन को चलाते हैं तो बड़ी आसानी रहेगी। अगर ये ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक लीवर दिया गया है, जो अगर मशीन बंद भी होगी तो भी आप इसको ऊपर नीचे कर पाएंगे खेत में। और ये ऊपर कैनोपी दी गई, ताकि ड्राइवर जब भी खेत में इस मशीन को चलाए तो उसे बड़ी आसानी रहेगी। और ये फुली इलेक्ट्रिक मशीन है, पूरी सेल्फ स्टार्ट है। और इसमें जो इंजन लगा गया है वो 10 HP का इंजन है, डीजल इंजन, जो कि खेतों में इस मशीन को ताकत देने का बेहतरीन काम करेगा। और ये जो डीजल टैंक दिया गया है, ये 5 लीटर का डीजल टैंक है। वहीं अगर इसकी डीजल खपत की बात की जाए तो लगभग 1 घंटे में 1 लीटर डीजल ही इस मशीन में लगता है। टायर 6/16 के टायर दिए गए हैं, जो कि खेतों में ग्रिप बनाने के साथ इसको पावर को भी काम करेंगे। ये यहाँ से बेल्ट पे से रिपर ऑपरेट होगी और चेन सिस्टम के साथ टायरों को पावर मिलेगा। और इसमें ये धागा रख बंडल मिल जाएगा, जो कि गेहूं की पुली को बांधने का काम करेगा। ये ऑटो पुली, और दोस्तों ये जो दिख रही है एक ऑटो पुली सिस्टम है। अगर आगे पत्थर वगैरह कुछ भी आ जाता है तो यहाँ से ये रिपर को बंद कर देगी। और ये रिपर दिया गया है और ये बाइंडर है, दोनों साइड से गेहूं कटने के साथ यहाँ से बंडल बन के पीछे गिर जाएगा, जो कि मशीन के बीच से निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो था मशीन का रिव्यू। अब हम इस मशीन पे जो मैंने शुरुआत में बताया था कि सब्सिडी भी मिलेगी और कीमत क्या है, ये भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस मशीन की कीमत है 5,10,000 रुपये और राजस्थान में इस पर जो सब्सिडी अप्रूव्ड है वो है 2 लाख से लगा के 2,50,000। जनरल किसानों को मिलेगी 2 लाख की सब्सिडी। अगर OBC, SC, ST और किसी अगर आप महिला के नाम पे इसको लेते हैं तो आपको 2,50,000 की सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, सब्सिडी ऐसा नहीं है कि आप शोरूम पे जाएंगे, शोरूम वाला सब्सिडी काट के आपको मशीन देगा। सब्सिडी का प्रोसेस ये कि आपको फाइल ऑनलाइन करानी पड़ेगी कोटेशन लेके, उसके बाद ही आपको सब्सिडी अप्रूव होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम पहले सब्सिडी अप्रूव कराने के बाद ही मशीन लें, तो इसके लिए आपको शोरूम से इसका कोटेशन लेके ऑनलाइन कराएंगे। जब कोटेशन मंजूर हो जाए तो उसके बाद में आप मशीन खरीद लीजिए, ताकि आपको हाथियों और सब्सिडी का लाभ भी मिल जाए। दोस्तों, अब हम उन किसान भाई से बात करते हैं जो कि आज इस मशीन को ले रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि BCS की रिपर बाइंडर ही क्यों ले रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, नाम बता दीजिए सर। आप मेरा नाम पप्पू जणा है। तो ये BCS का रिपर बाइंडर ही क्यों ले रहे हैं हम? और भी तो बाजार में मिल जाते हैं, हमने और दूसरी कंपनियों के बहुत से रिपर बाइंडर देखे, लेकिन सक्सेस के हिसाब से अच्छी पुली बांधना, अच्छी कटिंग करना, साफ सुथरी कटिंग इससे होती है। और सक्सेस मशीन में 2011 से मार्केट में अच्छी चल रही है, इस हिसाब से हम ये। तो मतलब आपको लगता है कि आपने इसको लेके कोई किसी प्रकार की गलती नहीं कर रहे? जी नहीं, ये अच्छी मशीन है, अच्छी चलेगी और अच्छा काम करेगी। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये जो अभी आपने बात करी, ये आज ही इस मशीन को लेके जा रहे हैं, तो मैंने ये जानने की कोशिश करी कि BCS का रिपर बाइंडर ही क्यों लें। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये रिपर बाइंडर BCS का खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, वहाँ आप संपर्क कीजिए और अपने लिए रिपर बाइंडर खरीद लीजिए। फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए। और BCS के रिपर बाइंडर के बारे में आपका क्या सोचना है, ये बात आप कमेंट करके बता दीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान
जय किसान।